अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। एक बार मैं अपने मुर्शिद साहब के साथ बैठा था, मेरा ख्याल है कि कोई चीज मैंने उसके बारे में मैंने कहा कि ये मैं ले लूं, वो चीज खुद 2 मिनट के बाद मुझे हासिल हो गई। तो मेरे मुर्शिद साहब ने एक मजे की बात ये कही कि तुमने बेसब्री की कि इसके ख्वाहिश का इजहार कर दिया, जबकि ये चीज आज खुद तुम्हारे पास आ रही थी। तो उस वक्त तो इस बात का कुछ ज्यादा एहसास नहीं हुआ कि मुझे कहा क्या उन्होंने और गलती क्या की मैंने, लेकिन बात की जिंदगी में अनगिनत ऐसे मौके आए कि किसी चीज की दिल में ख्वाहिश पैदा हुई और मैंने किसी से कह दिया कि ये जरा ये काम करना। वो उस आदमी के काम करने से पहले वो काम खुद ही हो गया या वो चीज हासिल हो गई। बाद में फिर ऐसे अनगिनत मौके आए कि सबक सीखा। दिल में एक चीज की ख्वाहिश पैदा हुई, उसका इजहार नहीं किया, तो 2 मिनट के बाद वो चीज खुद हासिल हो गई। तो खुद अपने आप से कहा कि अगर मैं कह देता तो अल्फाज की वैल्यू भी जाती, चीज तो वैसी मिल गई मुझे। शम्स तबरेज़ साहब एक दिन उन्होंने सफर का कसद किया तो कुछ और दरवेश वो भी साथ चल दिए। तो उन दरवेशों ने कहा कि हम आपको अपना लीडर बना लेते हैं, अपना अमीर बना लेते हैं, और जब तक ये सफर हमारा खत्म नहीं होता आप हमारे अमीर हैं, हम आपकी हर बात मानेंगे। अगर भूख लगी तो जब तक आप हमें कोई चीज मांगने को नहीं कहेंगे हम मांगेंगे नहीं, इसी तरह हम सोएंगे नहीं जब तक कि आप नहीं कह देंगे। अर्ज के उन्होंने चीजें गिनवाई की, मिसाल के तौर पे ये। तो सफर पे रवाना हो गए। दरवेशों के यहाँ तवक्कल बुनियादी चीज है, तो ज्यादा राह तो था नहीं। नतीजा ये हुआ कि 2-4 दिन गुजर गए, खाने को कुछ नहीं मिला, परेशान थे सभी। एक जगह से गुजर रहे थे तो खेतों में एक आदमी खड़ा था, उसने इन्हें आवाज दी कि आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ आके अपनी मर्जी से इस खेत में से फसल जो भी है फल वो अपनी मर्जी के तोड़ लीजिए। तो दरवेश रुक गए, लेकिन शम्स तबरेज़ साहब ने कहा कि देखो सब्र करो, अभी इस आदमी की बात पे तवज्जो मत दो। उस आदमी ने दूर खड़े हुए खेतों में से फिर आवाज दी और इनसे कहा कि आ जाओ यहां अपनी मर्जी की चीज ले लो। तो दरवेशों ने जाहिर ये किया कि उन्होंने इसकी बात समझी नहीं कि वो क्या कह रहा है, तो इशारे से उसे कहा कि क्या कह रहे हो तुम। वो बंदा फिर करीब आया इनके और आके इनको दावत दी। तो शाह शम्स तबरेज़ साहब ने उनसे कहा कि क्या खिलाओगे, तो उसने कहा कि फल हैं ले लो। तो शाह शम्स साहब ने कहा कि तुम अच्छे आदमी हो कि हमें खाने की दावत भी दे रहे हो, खुद अच्छी चीजें खाते हो और मेहमानों को तुम ऐसी चीजें खाने को देते हो। बंदा शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि नहीं आप मेरे घर चलिए। घर जाके इनको बेहतर खाना दिया। तो शाह शम्स साहब ने दरवेशों से कहा कि देखो सबर का फल ये मिलता है इसी तरह अपनी मंजिल पे पहुंच गए। तमाम दरवेश अपने अपने चल दिए, लेकिन शम्स तबरेज़ साहब क्योंकि जिस्मानी लिहाज से देखने में कमजोर लगते थे तो इनको किसी ने मजदूरी भी नहीं दी कि इतने नाहीफ इंसान को क्या हम मजदूरी पे लगाएं। तो बाकी सब दरवेश मजे कर रहे थे। तो एक आदमी इन्हें मिला, वो खड़े थे सड़क पर, तो उन्होंने अपना मुलाजिम भेजा कि यहाँ क्यों खड़े हो रास्ते पे। तो इन्होंने उसके मुलाजिम से कहा कि जाके अपने मालिक से कहो क्या ये सड़क और ये शहर तुम्हारी मलकियत है जो तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो। तो मुलाजिम ने जाके उससे कहा तो चल कर आया। उसने महसूस किया कि बंदा वो नहीं है जो बाहर दिखाई देता है। तो उसने माफी इनसे मांगी और घर ले गया अपने। वहां जाके इनकी खातम उदारात करता रहा और कहा कि जब तक आप इस शहर में हैं आप खाने के वक्त पे यहाँ तशरीफ ले आया कीजिए और खाना यहीं खाया कीजिए। शाह शम्स तबरेज़ साहब उसके कहने पे खाने के वक्त जाते नहीं रहे। तो एक दिन वो मिल गया तो जबरदस्ती घर ले गया। वहां जाके बकरा ज़िबा किया और इनकी खातम उदारात की। असल में शाह शम्स तबरेज़ साहब ये बात जब बता रहे थे तो इस सबक दे ये रहे थे अपने शागिर्दों को कि फकीर पर लाजिम है कि वो सब्र से और तवक्कल से काम ले। कि जब इंसान सब्र से बैठा रहता है, फकीर खास तौर पर, तो रब ताला गैब से उसके बंदोबस्त करता है। गैब से चीजें उसको हासिल होनी शुरू हो जाती हैं। जब इंसान लोगों के हाथों की तरफ नहीं देखता कि ये कब मुझे कुछ देगा, अपने रब पे तवक्कल रखता है, तो रब ताला अपने बंदों के दिल में ये बात डाल देता है कि मेरे इस फकीर की खिदमत करो, मेरी इस फकीर को दो, इसकी नान नुफ्के का बंदोबस्त करो। तो ये रब ताला पर तवक्कल का सबक था जो शाह शम्स तबरेज़ साहब ने दिया। तो ये जब मैं वाकया पढ़ रहा था शाह शम्स तबरेज़ साहब के बारे में तो मुझे अपने मुर्शिद साहब की कही हुई बात याद आ गई। तो उस वक्त मुझे उस बात का वजन पता चला कि दर हकीकत मेरे अपने मुर्शिद मुझे क्या सबक दे रहे थे, जिसको मैंने उस वक्त कोई उतनी गहराई से देखा नहीं था। किसी साथ में सवाल पूछा है कि थ्रू आउट हिस्ट्री देयर हैव बीन न्यूमरस रिलीजन्स, what should prevent me from having faith in either one of those? What evidence can one present of their existence or lack thereof? Does faith not undermine the presence of evidence? इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में बहुत से मज़ाहब आज तक आए हैं, उनमें कुछ वो थे जो इंसान ने खुद गढ़े और अक्सरियत उन मज़ाहब की थी जो डिवाइन रिलीजन्स कहलाते हैं। जो डिवाइन रिलीजन्स हैं, अगर उनको हम गहरी नजर से देखेंगे बगौर मुताला जब हम करते हैं, तो एक बात वाज़े हो जाती है हम पर कि दर हकीकत वो मज़ाहिब एक दूसरे से जुदा नहीं है, बल्कि वो एक ही पैगाम की कॉन्टिन्यूटी है। क्योंकि रब भी ये सबक देता है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, कि हम अपने मखातिब की ज़हनी सतह के मुताबिक गुफ्तगू करें। तो जब रब अपने बंदों को ये सबक दे रहा है तो खुद भी उस पर अमल करता है। जो भी डिवाइन मजहब भेजा गया दुनिया में पैगंबरों और रसूलों के जरिए से, किताबों के जरिए से, वो उस दौर के इंसानी जहन की सतह के मुताबिक ही थे, ताकि इंसान को उसके समझने में और उस पर अमल करने में कोई दिक्कत पेश ना आए। तो जो जो इंसानी जहन इर्तकाई मनाजिल तय करता गया, मजहब की या पैगाम की लेवल उतना रेज होता चला गया, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उस पैगाम को मुकम्मल कर दिया गया। तो वो मज़ाहिब जुदा जुदा नहीं है, एक ही मजहब की कॉन्टिन्यूटी है जो मुकम्मल हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने के बाद। जो पैगाम आए, जो किताब उतारी गई, उसके साथ ही दिन मुकम्मल कर दिया गया। हम जब ईमान लाते हैं तो हमारा जो ईमान मुफस्सिल है उसको भी अगर हम देखें तो वो उसके अंदर हम एक चीज कमिट कर रहे होते हैं कि मैं ईमान लाया उन तमाम पैगंबरों पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तशरीफ लाए। मैं ईमान लाया उन तमाम इल्हामी किताबों पर जो कुरान पाक से पहले नाजिल की गई। अगर वो जुदा जुदा होते तो फिर ईमान मुफस्सिल यूं ना कह रहा होता। तो जब हम सिर्फ फर्क ये है कि जिस तरह से आप किताब की का लेटेस्ट एडिशन पढ़ना चाहती हैं कि ऑथर ने हर एडिशन में वक्त गुजरने के साथ जो चीजें सामने आई हैं उनको नए एडिशन में ऐड कर दिया होता है, तो हम लेटेस्ट एडिशन किताब का लेके उसको पढ़ना चाहते हैं। तो जो फेथ है, जो रिलीजन है, उसका लेटेस्ट पोर्शन तो कुरान पाक है। लेटेस्ट पोर्शन वो पैगाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से आया। तो आउटडेटेड पैगाम के पीछे इंसान क्यों जाए, लेटेस्ट के पीछे क्यों ना जाए। इसलिए इस्लाम पर ईमान लाना इंसानी अक्ल के मुताबिक दुरुस्त होगा, ये तो एक इसकी बात है। जो इलामी मज़ाहब हैं उनकी एविडेंस सिर्फ उसी सूरत में हमें नजर आती है, उस एविडेंस तक हम पहुंच पाते हैं जब हम गौर फिक्र से काम लेते हैं। यहां एक जमाने में बात ये हुई थी कि ये जो फरमाया गया कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने रब को पहचान लिया, उसका मतलब क्या है। तो गुफ्तगू के दौरान मैंने एक अर्ज की थी कि हम अपनी शक्ल तो पहचानते हैं, जो ही आईने में हमें अपना अक्स नजर आता है तो हम जान लेते हैं कि ये मैं हूं। शक्ल सूरत को या जिस्म को पहचानना इससे मुराद नहीं है। इसको अगर आप देखें, मैंने उस वक्त कान की मिसाल दी थी कि अगर हम सिर्फ एक मामूली सी चीज पर, इंसानी जिस्म में, उस पर गौर करेंगे कि ये कान है, वो एक हमारे चेहरे पर वो एक खास एंगल से है, जरा सा स्कल से फासले पर और एक एंगल यूं लिए हुए है। और फिर कान में बाहर अगर हम देखें तो मुख्तलिफ कंटूर्स बने हुए हैं उसमें। सिर्फ उसी को देख लीजिए कि ये एंगल ऐसा क्यों है। ये पूरी तरह खुलकर सामने 90 डिग्रीज पर भी हो सकता था, ये स्कल के साथ चिपका हुआ भी हो सकता था, ये इसी एंगल पर क्यों है और उसके अंदर वो कंटूर्स क्यों बने हुए हैं। फिर कान में बिल्कुल बारीक सा सुराख है और उसके अंदर तक, उसको हम आउटर ईयर कहते हैं, उसके अंदर फिर एक इनर ईयर भी है और जहां से वो टनल बेंड खा रही है वहां वैक्स हर वक्त मौजूद रहती है। आप साफ कीजिए, 5 मिनट के बाद दोबारा वहां वैक्स पैदा हो जाएगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा डिप्रेशन है, उसमें एक फ्लूइड रहता है, वहां बाल लंबे लटके हुए हैं जो उस फ्लूइड को टच किए हुए हैं। अब वो एक लंबी तफसील थी, मैं दोहरा के आपको बोर नहीं करना चाहता। उसमें अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कान पर बड़ी तफसील से बात की थी। हम अपनी आंख को देख लें, आंख का एक एंगल है हमारा, फिर उसमें वाइट एरिया के अंदर प्यूपिल है, कॉर्निया है, कॉर्निया के अंदर प्यूपिल है और वहां से रेज उसमें दाखिल होती है और पीछे फिर जाके पर्दा है आंख का। वो रेज एक खास एंगल से दाखिल होती हैं, इमेज उल्टा बनता है, फिर उस इमेज को, उल्टे को, हमारा जहन ठीक सीधा करके रीड करता है और हमें पता चल जाता है कि हम क्या चीज देख रहे हैं। जब हम इन चीजों पे गौर करते हैं तो हमारे जहन में ख्याल आता है कि इंसान जिसकी तख्लीक पानी के कतरे से हुई है जो नजिस है, उस एक कतरे को खून के लोथड़े में कन्वर्ट अंदर कौन सा कंप्यूटर है जिसको हमने प्रोग्राम किया है और वो उस कतरे को खून के लोथड़े में तैयार करता है। वो खून का लोथड़ा फिर सॉलिडिफाई होता है और गोश्त का लोथड़ा बनता है। उस गोश्त के लोथड़े से फिर इतने वेल बैलेंस्ड आज़ा नमूदार होते हैं। हमारे अंदर कोई कंप्यूटर तो फिट नहीं हुआ जो ये सारे काम सर अंजाम दे रहा है। फिर उन हाथ पांव को देखें आप, किस तरह वो प्रोपोर्शनेट होते हैं। बच्चे की पैदाइश हो जाती है, उसे पलना है मां के दूध पर, दो साल का हुक्म है कि माएं 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाएं। अगर पैदाइश के वक्त ही उसके दांत होंगे तो मां जख्मी होती रहेगी उसके हाथों। दांत 2 साल तक पूरे होते हैं जाके, तो वही वक्त है कि हुक्म है कि फिर दूध छोड़वा दो। अब ये जो इतनी टाइमिंग, प्रिसाइज टाइमिंग है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई हमारे जिस्म में, हम तो कोई अपने कंप्यूटर को प्रोग्राम नहीं करते हैं जो ये फ्राई सरंजाम दे। तो जब हम इस तरह गौर करते हैं तो फिर खुदा की कुदरत को का अंदाजा हमें होता है। यही एविडेंस है। आदमी वहां फिर सोचने पे मजबूर होता है कि कोई एक ताकत ऐसी है जो ये काम कर रही है, और उस ताकत के लामुतनाही होने का सबूत ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त 6 अरब के करीब कही जाती आबादी, जिनमें 51% खवातीन है। ये अमल जारियो सारी है उन सब में। तो जो जो हम गौर करेंगे एविडेंस हमें यूं मिलेगी कि कोई कुव्वत है, उस कुव्वत को हम रब कहते हैं। रिलीजन्स के बारे में एविडेंस हमें गौर और फिक्र के बाद मिलेगी, इसलिए रब ताला ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि तुम गौर क्यों नहीं करते, इसलिए कि जो जो हम गौर करेंगे हमें यकीन आने लगेगा। तो एविडेंस तो गौर के जरिए से मिलेगी। किसी एक रिलीजन को आप पकड़ लीजिए, उसमें बुनियादी चीजें सब में यकसा मिलेंगी। हत्ता कि वो मज़ाहब जो इंसान ने ईजाद किए, उसकी बुनियाद भी उसने वहीं से ली है जो रब ताला ने मज़ाहब उतारे थे। तो वहां भी आपको किसी मजहब में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि झूठ बोलना अच्छी बात है। किसी मजहब में बदअखलाकी की तालीम नहीं होगी, खुश अखलाकी की तालीम है। किसी जगह, किसी मजहब में, चाहे वो इंसान ने अगर बनाया है तो भी, ईमानदारी को कंडेम किया हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो वो बुनियादी चीजें इंसान ने अपने जो मजहब घड़ा, वो भी अल्लाह ही के भेजे हुए मजहब से ली है। अगर हम कोई भी मजहब हो, उस पर जब हम गौर करना शुरू करेंगे तो वहां एविडेंस हमें मिल जाएगी। ये एविडेंस अभी इसी पे गौर कर लें, इंसानी जिस्म पर, पहाड़ पर गौर कीजिए कि ऐसी क्या चीज थी कि जमीन के अंदर जो तबकात हैं, जिसे हम साइंस की जुबान में प्लेट्स कहते हैं कि उन प्लेट्स पे फॉल्ट आया और वो आपस में जब एक दूसरे से टकराई हैं मूव करके, तो वहां से जमीन उभरी और यूं ये पहाड़ वजूद में आ गए। ये सेस्मिक साइंस ये थ्योरी बयान करती है। जहां सलवेट इतनी बड़ी है, माउंट एवरेस्ट जैसी चोटी वजूद में आ गई, वो मूवमेंट कितनी शदीद होगी, उसको कंट्रोल किसने किया? तो यूं इंसान निशानियां ढूंढ लेता है। समुंदर है, कुरान ये कहता है कि हमने समुंदर बनाए जो एक दूसरे पर चढ़ नहीं दौड़ते। तो हम देखते हैं कि समुंदर जहां मिलते हैं वहां वाकई पानी एक दूसरे पर चढ़ नहीं दौड़ता, बड़ी खामोशी के साथ वो मिल जाता है। तो ये समुंदर किसने ऐसे बनाए जिनको इस तरह कंट्रोल किया? वो ये एविडेंस हमें गौर से मिलेगी, गौर करने से। इन्होंने दूसरा सवाल किया है कि वाई इज इट नेसेसरी टू हैव फेथ? आर वी नॉट कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग ऑन रैशनल और लॉजिकल थॉट? नहीं, रब ताला ने हमें इस काबिल तो किया है कि हम थॉट्स को फॉलो कर लें, लॉजिक को फॉलो कर लें। ये कैपेबिलिटी मौजूद है हमारे अंदर, उससे इनकार मुमकिन नहीं है। लेकिन एक लम्हे के लिए आप सोचिए कि अगर 6 अरब लोग अपने अपने थॉट्स को फॉलो कर लें, अपनी अपनी लॉजिक को फॉलो कर लें, तो किस किस्म का क्योस पैदा हो जाएगा और वो क्योस हमें कहां ले जाएगा? कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज हमें चाहिए कि 6 अरब लोगों के थॉट्स और 6 अरब लोगों की लॉजिक वो गवर्न हो जाए उसके जरिए, और वो फेथ है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि दुनिया का कोई मजहब ये तालीम नहीं देगा कि लड़ना झगड़ना अच्छी बात है। दुनिया का कोई मजहब इस चीज की तालीम नहीं देगा कि आप दूसरे को कत्ल कर दीजिए। ये कोड ऑफ कंडक्ट, आप फेथ ना कहिए, रिलीजन ना कहिए, उसे कोड ऑफ कंडक्ट कह लीजिए। तो इंसान को जो कोड ऑफ कंडक्ट अता होता है वो उसके थॉट्स को और लॉजिक को चैनलाइज करता है, बेहंगम तौर पर उसे बढ़ने नहीं देता। ये बिल्कुल इस तरह से है कि शहर के अंदर से जो बड़े दरिया गुजरते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज उनको कंट्रोल कर लेती हैं, उनके दोनों तरफ रिटेनिंग वॉल्स बना के। तो वो दरिया का पानी मुंहजोर होने के बावजूद उसी डायरेक्शन में बहता है, उसी रास्ते पर बहता है जिस रास्ते पर उसका बहाव चाहती हैं वो कौमें के इधर को रहे। तो वो पानी फैल के तबाही नहीं मचाता। तो हमारी जो थॉट्स और लॉजिक है उसको भी चैनलाइज किया जाना जरूरी है कि अगर मैं किसी आदमी से बिगड़ता हूं और मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इस आदमी को खत्म कर दूं, तो उसको चैनलाइज किया जाना जरूरी है। तो दो ही चीजें चैनलाइज उसे कर सकती हैं, दुनियावी कानून का सजा का खौफ या अल्लाह के हुजूर जवाबदेही का खौफ। और अगर ये दोनों चीजें इकट्ठी हो जाए हमारी जिंदगी में, तो हमारे रास्ते उस तरफ को चैनलाइज हो जाते हैं जिस तरफ को रब ने हमें सफर करने को कहा। तो इसलिए फेथ का होना बड़ा जरूरी है। ये एक रीजन इसका बन जाएगा। दूसरा रीजन ये है कि हम लोग जल्दी खुश भी हो जाते हैं चीजों से और जल्दी मायूस भी हो जाते हैं चीजों से। जब हम मायूसी के आलम में होते हैं, डिप्रेशन के आलम में होते हैं, तो वहां हमें सहारे की जरूरत होती है, ऐसा सहारा जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, जिसके हुजूर हम झुक जाएं और जिसके हुजूर अपना तमाम जो दिल का गुबार है वो निकाल लें, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कि वी नीड ए शोल्डर टू वीप एट। तो वो एक जरिया हमें चाहिए। तो ये फेथ है जो जरिया हमें प्रोवाइड कर देगा। वो कंसेप्ट है रब का, कि रब मौजूद है और वो ऑल टाइम पावरफुल है, वो जो चाहता है कर गुजरता है। वो ये रब ही है जो हमारे लिए बेहतरी के सामान पैदा करता है, ये रब ही है जो हमें मुश्किलों से निकाल लेता है। तो ये जो फेथ है ये इसलिए होना बड़ा जरूरी है कि हम फ्रस्ट्रेट ना होने पाए, हम मायूस ना होने पाए। मायूसी से ये फेथ हमें बचाएगा। तो इसलिए हमें हमारे लिए फेथ का होना बड़ा जरूरी है। Why is it that people of faith are so susceptible to unrealistic claims? Is it because the inadequacies of their lives are so apparent that they are willing to forego any doubt or uncertainty to reach peace? इसके अंदर एक मसला हमारे लिए पैदा होता है। ये जो अनरियलिस्टिक क्लेम्स हैं, एक आदमी है जो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की सैर करके आया है, वह हमें ये बता रहा है कि जो एल्प्स है, एल्प्स का सिलसिला पहाड़ों का, वो ऐसा खूबसूरत है। वियाना से 35 माइल्स बाहर निकल जाइए तो एल्प्स का सिलसिला जो शुरू होता है, उसकी स्लोप्स पर ऑस्ट्रियन फैमिली जो रिटायर्ड लाइफ गुजार रही हैं, उन्होंने हट्स बनाए हुए हैं और वो इस तरह से खूबसूरत है। वो एक नक्शा खींचता है एल्प्स का जो हिस्सा स्विट्जरलैंड में है उसका, वो एक नक्शा खींचता है। एक आदमी है जो इटली गया है, इटली का वो हिस्सा जो स्विट्जरलैंड के साथ मिलता है, वहां वो कहता है कि साहब एक बहुत बड़ी झील है लुगानो और उसमें शिप्स चलते हैं बड़े बड़े। वह आधी झील इटली में है, आधी स्विट्जरलैंड में है, और स्विट्जरलैंड की साइड पर वहां जो शहर है लुगानो, इस झील के किनारे वहां एक पहाड़ी है, उस पर इस तरह से फूल उगाए हुए हैं, उनके दरमियान ट्रेन चलती है। उस ट्रेन चूंकि उस पहाड़ी पर चढ़ नहीं सकती तो विंच के जरिए उसे पुल किया जाता है ऊपर। वो ऐसी स्टोरीज हमें सुनाता है। अब वो शाह साहब जैसे आदमी को उसने ऐसी स्टोरी सुना दी तो मैंने तो लाहौर नहीं देखा पूरा, तो मेरे लिए तो वो अनरियलिस्टिक किस्म की कहानी बन गई है। वो मेरे लिए वो सब ख्वाबों की कहानी है। लेकिन एक आदमी हिमालय की तराइयों में घूमता है वहां की वो नेचुरल ब्यूटी देखता है तो वो उसको यूरोप की कहानियां जो उसको सुनाई गई हैं वो ऐसा लगता है बच्चों की कहानियां हैं। वो उससे कहीं ज्यादा कुदरती हुस्न देख के आया है हिमालय की तराइयों पर। जब वो वहां की खूबसूरती की कहानियां सुनाएगा तो ये जिसने कहानियां सुनाई थी एल्प्स की उसको वो अनरियलिस्टिक किस्म की कहानियां लगेंगी कि ये कहाँ की कहानियां सुना रहा है, ख्वाब देखा है इसने कोई। तो ये जो रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक होना है ये मेरे नजदीक एक रिलेटिव टर्म है। एक चीज से अगर मैं वाकिफ नहीं हूं और कोई आदमी जो उस चीज से वाकिफ है वो उसकी जब मुझे बात बताएगा तो मेरे लिए वो एक नई कहानी होगी जिसको मैं हो सकता है ये कहूं कि ये अनरियलिस्टिक है, ऐसा हो नहीं सकता। तो अल्लाह की राह में या रिलीजन की राह में जब हम सफर करते हैं तो मैन टू मैन वेरी कर जाती है कि किसी की एक्सेस कहां तक हुई है। जिन लोगों को कष्ट हासिल होता है वो भी मैन टू मैन वेरी करता है कि उसकी डिग्री क्या है। अब एक लोअर डिग्री ऑफ कष्ट रखने वाला आदमी सुनता है ऐसे आदमी से कष्ट के जरिए से कहानी जिसकी एक्सेस, जैसे बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह साहब के बारे में ख्वाजा गरीब नवाज साहब ने फरमाया था हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब से कि तुम्हारे इस शागिर्द की एक्सेस सिद्रत मुंतहा तक है। तो अगर कोई ऐसा वली अल्लाह जिसकी एक्सेस सिद्रत मुंतहा तक है उसकी वो सैर करता है, वो किसी ऐसे वली अल्लाह की जिसकी एक्सेस सिर्फ दूसरे आसमान तक है उसको कहानी सुनाए तो उसके लिए वो अनरियलिस्टिक हो जाएगी। लेकिन अगर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह साहब सिद्रतुल मुंतहा की कहानी किसी पैगंबर को सुना दें तो उनके लिए वो बच्चों की कहानी हो जाएगी। तो ये रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक होना है मेरे नजदीक रिलेटिव टर्म है। एक बहुत बड़ा हॉल है, फर्ज कर लीजिए 1000 फुट लंबा, उसमें हर 10-20 फुट के बाद एक दरवाजा है। तो उसका मालिक एक दरवाजा आपके लिए खोल देता है कि इस दरवाजे के अंदर से झांक लो, और वो एक बल्ब ऑन कर देता है। उस बल्ब की रोशनी ज्यादा 25 फुट तक जा रही है। आप उस हॉल की जब कहानी किसी को सुनाते हैं तो आप ये कहते हैं कि उसके अंदर फलां फलां चीज पड़ी हुई है। एक आदमी जिसने उसके 50 दरवाजे खोल के देखी हुई है जगह, वो आपको कहता है कि नहीं वहां तो ये है। अब हम यकीन नहीं करते क्योंकि हम तो उस दरवाजे में झांक के देख चुके। हम जिद कर रहे हैं कि नहीं वहां है ही सिर्फ इतना कुछ। लेकिन बाद में आपको उसका मालिक उसका दरवाजा दूसरा खोल के दिखाता है, वहां बल्ब ऑन करता है, 25 फुट का एरिया और देख लेते हैं। तो आपको पता चलता है कि नहीं जिस हॉल का मैं ये समझा था कि वहां सिर्फ ये पड़ा है, वहां तो ये कुछ भी है। तो ये सिलसिला जब आगे जारी होता है तो 50वें दरवाजे को जब खोल के आप देखते हैं तो फिर आप कहते हैं नहीं वो आदमी सही कह रहा था जिसको मैंने झुटलाया था। तो ये जो कष्ट के डिग्री है ये भी वेरी करती है। तो हायर लेवल ऑफ कष्ट रखने वाला बंदा जब कोई कहानी किसी को सुनाएगा तो कम इल्म रखने वाला आदमी उसको अनरियलिस्टिक काउंट करेगा। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि जो मजहबी लोग हैं वो ससेप्टेबल होते हैं टू अनरियलिस्टिक क्लेम्स, ये ज्यादा दुरुस्त शायद ना हो। और ना ऐसा है कि उनकी लाइफ की जो इनएडिक्वेसीज हैं वो उनको मजबूर करती हैं। फकीर जो साहिब कश्फ व करामात है उसके पास खाने के लिए पूरा नहीं है, रहने के लिए छत मुकम्मल नहीं है, पहनने को कपड़े पूरे नहीं हैं, लेकिन जब बादशाह उनसे पूछता है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकता हूं तो बड़ी बेनियाजी से कहता है कि सर मेरी धूप छोड़ दो। कोई इनएडिक्वेसी नहीं है, शायद उस बादशाह की इनएडिक्वेसी हो और वो ज्यादा सल्तनत की लालच कर रहा हो, ज्यादा बड़े खजाने की लालच उसको हो। लेकिन ये फकीर जो एपेरेंटली डिप्राइव्ड है सफिशिएंट फूड, सफिशिएंट क्लोथिंग, सफिशिएंट इनएडिक्वेट रेजिडेंस उसकी है, उसका आलम यह है कि वो बादशाह को कहता है कि नहीं थैंक यू वेरी मच, जरा मेरी धूप छोड़ दो। तो इनएडिक्वेसी किसकी है? ये कहना शायद ज्यादा दुरुस्त ना हो कि जो रिलीजियस लोग हैं उनकी इनएडिक्वेसीज हैं जो उनको ये सब ख्वाब दिखाती हैं, ऐसा नहीं है। ये किसी साहब ने पूछा है कि आपके ख्याल में ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का बेहतरीन तरीका क्या है? बड़े पुरवकार अंदाज में, बड़े डिग्निफाइड वे में हम बैठ के तन्हा या कलेक्टिवली हम दुरूद सलाम पढ़ें, और जिस तरह हम अजान के बाद दुआ करते हैं उसमें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम महमूद हासिल होने की दुआ करते हैं, इस तरह से दुरूद और सलाम के साथ दुआ की जाए। लेकिन शर्त यह है कि बहुत ही डिग्निफाइड मैनर में, बहुत पुरवकार तरीके पर, ताकि ये पता चले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा पुरवकार जिंदगी गुजारते हैं, उनके उम्मती भी उतने ही पुरवकार हैं, वैसे ही सुन्नत के मुताबिक पुरवकार रहते हैं। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र ख्याल रखा कि दूसरों को सहूलत दी जाए, आपकी हदीस भी है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिस जो दूसरों के लिए मुनाफा बख्श हो, और बदतरीन शख्स के बारे में भी हदीस इस तरह बयान फरमाई कि तुम में बदतरीन शख्स वो है जिसके शर से लोग खौफजदा रहे। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मनाते हुए, आपकी आमद की खुशी मनाते हुए इस तरह से कोई काम ना करें जिससे किसी का रास्ता रुके, किसी के लिए दिक्कत पैदा हो, किसी को जहमत हो जाए। और इसके बरक्स हम खुशी इस तरह मनाएं कि दूसरों के लिए फायदा बख्श हो जाए। इन्होंने अगला सवाल किया है कि क्या कोई वली अल्लाह किसी शख्स पर एक नजर डालकर जान जाता है कि इस शख्स की वफात किस तरीके से होगी? यही मैंने कुछ दिन पहले अर्ज की थी कि ये सिर्फ और सिर्फ रब है जो सब कुछ जानता है। रब ताला के अलावा इवन फरिश्ते सिर्फ उतना जान पाते हैं जितना रब चाहे कि वो जान लें। वली अल्लाह भी मोहताज है रब ताला का, वो भी सिर्फ उतना जान सकेगा जितना रब ताला उस पर करम करे कि ये जान ले। और रब ताला सत्तारुल अयूब है, रब ताला दूसरों के पर्दे रखता है, किसी का पर्दाफाश नहीं करता। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई वली अल्लाह किसी शख्स के बारे में सब कुछ जान सके। वो सिर्फ उसी वक्त जान पाएगा जब रब उसे दिखाएगा, वरना वो शायद एक आम आदमी से भी ज्यादा मजबूर हो जाता है, इसलिए कि वो रब ताला की कायम की हुई हदूद के अंदर रहता है। रब ताला जरा सी कोताही पर उसको झटका दे देता है। वो मुझ जैसे गुनाहगार शख्स को तो रब ताला रस्सी दराज कर देगा उसकी, लेकिन अपने दोस्त की जरा सी कोताही पर उसे झंझोड़ देता है, झटका देके। इसलिए वो वली अल्लाह आम आदमी से ज्यादा मजबूर होता है। इन्होंने अगला सवाल पूछा है कि अल्लाह तो जमानो मकान से मावरा है, फिर ये क्यों कहा जाता है कि अर्श अल्लाह की वर्चुअल नशिस्त है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो अल्लाह की ओमनी प्रेजेंस है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे महराज शरीफ पर, तो अल्लाह से जो हम कलाम हुए थे तो कहाँ हुए थे? महदूद नहीं है वो अर्श तक, वो मुहीत है तमाम कायनात पर, लेकिन उसका जो वर्चुअल वजूद है वो कहीं तो है, और वो है अर्श। वो जो कुर्सी का कहा कि उसकी कुर्सी मुहित है, घेरे हुए है तमाम कायनात को, वो उसकी सिफ्त है। अगला सवाल फिर वैसे ही आ गया कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है हर वक्त, फिर इससे क्या मुराद है कि वो रात के आखिरी पहर आसमान दुनिया पर आता है और अपने बंदों से कहता है कि कोई मांगने वाला कि मैं उसे दूं है, कोई पुकारने वाला कि मैं उसकी पुकार का जवाब दूं। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि अल्लाह मजलूम की आह नीचे होकर सुनता है। अब अगर कोई ये कह दे कि रब को क्या जरूरत है, उस तक तो हर आवाज पहुंच रही है, वो नीचे होकर क्यों सुनता है? या ये कहा जाता है कि यतीम की आह बड़ी जल्दी पहुंचती है रब तक, या ये कि यतीम की आह अर्श को हिला देती है, मजलूम की आह अर्श को हिला देती है। ये अर्श कैसा है कि एक आह से हिल गया। बात यह है कि कुछ चीजें हम एक्सप्रेस करने के लिए कहते हैं, तो लोगों को रात के आखिरी पहर में उठकर अल्लाह के हुजूर झुक जाने की तरगीब देने के लिए, अगर उस पहर की फजीलत बयान करते हुए ये कह दिया कि उस वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर उतर आता है, निचले आसमान पर आ जाता है, और वो आवाज उसके फरिश्ते लगाती हैं कि इस वक्त है कोई मांगने वाला जिसको रब दे, और है कोई ऐसा जो मुझे पुकारे, रब कह दे कि मुझे पुकारे, मैं उसकी पुकार का जवाब दूं। वो तो हर एक की पुकार का जवाब दे रहा है। तो बात यह है कि ये उस पहर की इबादत की फजीलत को बयान किया गया है कि जो लोग तहज्जुद के वक्त उठ के अल्लाह को पुकारते हैं, रब ताला उनकी दुआएं कबूल फरमाता है। इससे मुराद ये है हम अल्फाज पर न जाएं, उसकी रूह पर जाएं। तो उसकी रूह ये है कि जो लोग अल्लाह की इबादत के लिए रात के उस पहर में उठते हैं और अल्लाह को पुकारते हैं, वो अल्लाह के बड़े करीब बंदे हैं, अल्लाह उनकी सुनता है। तो ये इसकी रूह ये है। तो ये बाकी भी इनके ख्याल में कुछ सवाल हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह आपसे बात होगी इस पे। अस्सलाम वालेकुम।